31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણી કરવા માટે યુવાનોમાં થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે વડોદરા પોલીસ દ્વારા શહેરમાં કોઈ અનિચ્છીય બનાવ ન બને તે માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે, જેની માહિતી પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે આપી હતી. વર્ષ 2018ને વિદાય આપવા અને નવા વર્ષને આવકારવા 31મી ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવણી કરવા માટે યુવાઓ થનગની રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ અખંડ ફાર્મમાં પકડાયેલી દારૂની મહેફિલ બાદ સજાગ બનેલી વડોદરા પોલીસ વિભાગ નવા વર્ષની ઉજવણીમાં કોઈ ઘટના ન ઘટે તે માટે સજ્જ બની છે. જે અંગેની પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે વડોદરાના શહેરી વિસ્તારમાં 10 વાગ્યા સુધી DJ કે લાઉડસ્પીકર વગાડી શકાશે. બાદમાં કોઈ જગ્યાએ પાર્ટીનું આયોજન થાય તો તે સ્થળ પર CCTV લગાડવા આવશ્યક રહેશે. હજુ સુધી વડોદરા પોલીસને શહેરમાં 7 જેટલા સ્થળોએ મોટી પાર્ટી માટેની અરજીઓ મળી છે. પાર્ટી પ્લોટ અને મલ્ટીપ્લેક્સ ખાતે ન્યૂ યરની પાર્ટીઓ યોજાશે, જેમાં મહિલાઓ અને યુવતીઓને બીભસ્ત વસ્ત્રો પહેરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાયો છે, કારણ કે અગાઉ આવી પાર્ટીઓમાં કેટલાક લોકો મોબાઈલથી વિડીયો ઉતારી વાયરલ કરતા હોવાના અને છેડતી કર્યાના કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે. पुराने साल को विदाई देने के लिए और नए साल को उसको जो है अवकारने के लिए खूब बड़ी मात्रा में लोग रोड वगैरह पे, पार्टी प्लॉट्स वगैरह पे, मल्टीप्लेक्स मॉल्स वगैरह पे सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. तो उसको ध्यान में रख के और साथ और साथ जो भूतकाल का इतिहास को देखते हुए कि अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से लोग इन्जॉय करें, नए साल का स्वागत करें, साथों साथ किसी को डिस्टर्ब न करें, किसी को तकलीफ न पहुँचाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जो हमारा एक जाहिरनामा किया गया है, उस जाहिरनामा में बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि जब कोई इस तरह से कोई पुलिस की परवानगी लेके पार्टी प्लॉट में हो या मॉल मल्टीप्लेक्सेस में कोई कार्यक्रम किया जाए तो वहाँ पे CCTV कैमरा लगाया जाए और उसके साथ साथ वहाँ पर कोई इस प्रकार के जो कोई नशीली चीज़ों को सेवन नहीं होना चाहिए, दारू वगैरह का सेवन नहीं होना चाहिए, इस तरह कोई चीज़ ना हो उसके लिए सूचना दी गई है. साथों साथ आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो. जो क्रैकर्स लोग जल्दी छोड़ते हैं तो एक समय मर्यादा के बाद इस तरह क्रैकर का यूज़ ना करें कि जिससे जो किसी को घर वगैरह पे या जान माल नुकसान होने के चांस रहे, और ऐसे कोई वस्त्र भी ना पहने जिससे छोटे बच्चे को मन में काफ़ी उसके ख़राब इफेक्ट पड़ता हो. तो इसको ध्यान में रख के एक नोटिफिकेशन किया गया है और उस नोटिफिकेशन का वो जो अमलवारी करने का है जो उसको पुलिस अलग अलग कंसर्न थाने वाले कर रहे हैं. जनरली अभी से कल से लेकर हम लोगों ने 31 तक का एक जो ड्राइव चालू किया है जिसमें कुल 11 चेक पोस्ट बड़ौदा शहर के हैं. उसके अलावा 7-8 दूसरे पॉइंट हैं जहां पर लोग बाहर से आते जाते हैं तो उनको चेक करने के लिए महिला पुलिस की टीम और ब्रीथ एनालाइजर लेके वो टीमें जो है रात में आने वाले सभी लोगों को चेक करके कल भी 6 लोग दारू पी गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और ये चले गए. 31 दिसंबर के दिन हमारी लगभग 1000 पुलिस फोर्स ये रोड पे रहेगी. 40 जितने पॉइंट हम लोगों ने फिक्स किए हैं वहाँ पे ये डिप्लॉय रहेंगे जिससे कोई भी आदमी ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे दूसरे को तकलीफ पहुँचे. कोई धूम स्टाइल की बाइक, कोई साइलेंसर बिना की बाइक चला के फुल स्पीड में जाए या ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरे को तकलीफ पड़ती हो, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है. और ये हमारी ड्राइव भी चलेगी, लोग इन्जॉय करें, आप सभी लोग इन्जॉय करिए लेकिन दूसरे को बिना कोई तकलीफ दिए हुए इन्जॉय करिए, ऐसा पुलिस बड़ौदा शहर पुलिस ने पूरी ऐसे तैयारी की और अपील भी कर रही है लोगों से. सर जिस तरह से जो आपने एक नोटिफिकेशन